हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होटल रिव्यूज़ के अंदर और एक शानदार होटल्स की कड़ी के साथ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश चंबा से वॉल्फ एंड वुड होटल रिसोर्ट कह सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत होटल है और अगर आप लाइफ में अलग जगह पर स्टे करना चाहते हैं, वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप आसानी से अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ट्रैवल जर्नी को, अपने स्टे को काफ़ी शानदार बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुखदायक बना सकते हैं। पर हिमाचल प्रदेश की अलग बात है। हिमाचल प्रदेश में चंबा भारत के पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। चंबा 996 मीटर ऊँचाई पर रावी नदी के किनारे स्थित है और चंबा अपने अंदर कई सारे जीव जंतु, वनस्पति, धार्मिक स्थलों को समेटे हुए है। तो इसी जगह पर एक खजर नाम की जगह है, खजर में है वॉल्फ एंड वुड। ये बहुत ही प्यारा होटल है। जानते हैं इस होटल के बारे में, क्या इस होटल की खासियत है और कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, कैसे हम होटल बुक कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब जानते हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही के साथ आप चंबा वैली के बारे में, होटल्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकें ताकि आने वाली ट्रैवल्स के लिए, यदि आप अगर चंबा हिमाचल प्रदेश जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं या कोई ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में आप ढूंढ रहे हैं जहां पर आप किसी भी मौसम में जाके अपने स्टे को, अपने वेकेशंस को एंजॉय कर सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए होटल्स की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको हमारा वुड एंड वॉल्फ, ये जो होटल है हमारा वॉक्स एंड वॉल्फ एंड वुड, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंबा में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। चंबा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और अपने अंदर बहुत सारे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल यहाँ पर समेटे हुए हैं। आपको यहाँ पर झरने मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, म्यूज़ियम मिल जाएंगे और तरह तरह के आपको घूमने के ट्रैवल प्लेसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर चामुंडा देवी मंदिर, चमेरा झील, इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत लक्ष्मी नारायण मंदिर मिल जाएगा, हरि राय मंदिर चंबा में मिल जाएगा, महेश्वरम महेश झील, मणि महेश झील आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वज्रेश्वरी मंदिर मिल जाएगा, थाना झरना मिल जाएगा, भूरे सिंह का संग्रहालय मिल जाएगा, आपको म्यूज़ियम मिल जाएगा, भूरे सिंह म्यूज़ियम, और खजियार झील चंबा मिल जाएगी आपको। साथ ही के साथ आपको आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। तो यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश चंबा ज़िले में विज़िट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आप यहाँ पर कैसे आएंगे। सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग से आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। फ्लाइट से चंबा आने के लिए आपको नियर बाय एयरपोर्ट यहाँ से पठानकोट है, जो लगभग चंबा से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पठानकोट से आपको बस या टैक्सी चंबा के लिए आसानी से मिल जाएगी। इसी के अलावा अगर आप ट्रेन से चंबा आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से आपको बस और टैक्सी लेनी होगी। अगर आप बाय सड़क आना चाहते हैं, बाय रोड आना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, अमृतसर जैसे बड़े बड़े शहरों से बसें यहाँ पर आपको हिमाचल परिवहन की बसें दिल्ली से मिल जाएंगी, आप आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खुद की बाइक, टैक्सी, कार से आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो बात करते हैं हम होटल वॉल्फ एंड वुड की। यह होटल बहुत ही खूबसूरत होटल है और एक वुडन कॉटेजेस आप कह सकते हैं, रिजॉर्ट कह सकते हैं, ये वुडन कॉटेजेस के फॉर्म में है और पहाड़ी एरिया के अंदर होने के कारण आपको यहाँ पर गर्मियों में बहुत हरियाली मिलेगी और लगभग अक्टूबर के आसपास यहाँ पर आपको स्नोफॉल मिलेगा। तो बेस्ट टाइम अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो आप कभी भी आप पूरे साल यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हर सीज़न की आपको अलग अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम्स मिलेंगे,
जिसके अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काला टॉप पहाड़ है, उसके ऊपर ये रिजॉर्ट बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम मिलेंगे, लग्जरी रूम मिलेंगे, और कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, आप जिस पर्पज़ से भी आप यहाँ पर विज़िट करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे वो आपका अपने दोस्तों के साथ टूर एंजॉय हो, या आप अपने लव एंड पार्टनर के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं, नहीं तो अगर फैमिली के साथ आप अपना गुड क्वालिटी का आप एक अलग आप स्टे का एंजॉय करना चाहते हैं, वुडन कॉटेजेस में स्टे अपना एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो आपकी यात्रा, आपके स्टे को सुखद बनाएगी। आप इनसाइड लुक देख सकते हैं, रूम्स के ये व्यूज़ हैं, आपको फुली कॉटेजेस मिलेंगे जो वुडन फ्लोर से बने होंगे, वुडन लकड़ी से बने होंगे, तो इनके अंदर रहना भी अलग एहसास होता है। ये गर्मी में बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, और साथ ही के साथ सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत मतलब ये आप कमरे को गर्म रखते हैं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं, इस वजह से यहाँ पर कॉटेजेस होते हैं, लकड़ी के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसी जैसी सुविधाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आमतौर पर नॉर्मली टेम्परेचर होता है 20-25 डिग्री के आसपास ही तापमान रहता है। तो इस टेम्परेचर में नॉर्मल पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन हो जाता है, काफ़ी रूम कूल हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एसी वगैरह आपको कम देखने को मिलेंगे होटल्स के अंदर। गीज़र्स का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर, गीज़र्स हर रूम में आपको मिलेंगे, और वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको वुडन फर्नीचर मिलेगा जो यहाँ की शोभा और बढ़ा देगा, आपके स्टे को और कंफर्टेबल और अलग टाइप का यहाँ पर आपको कंफर्ट देगा। खाना बहुत ही नॉर्मल खाना मिलेगा आपको, बहुत ही शानदार खाना मिलेगा, और पहाड़ी जहाँ पर लोकल कजिन है, लोकल डिशेज़ हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपको स्टे अद्भुत पहाड़ी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये नाइट व्यू है, नाइट व्यू में आपका स्टे बहुत ही अच्छा लगेगा, और काफ़ी रोमांटिक प्लेस है, यहाँ पर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चारों तरफ आपको हरियाली मिलेगी, फूल मिलेंगे, और जैसा एनवायरनमेंट आपने मूवीज़ में देखा होगा वो आप एनवायरनमेंट यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूल मिलेगा, पूल के साथ आप यहाँ पर गर्मी के मौसम में आप इंजॉय कर सकते हैं। पूल के अलावा आपको यहाँ पर कॉटेजेस के, आप वॉशरूम्स के अंदर बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी, चाहे गीज़र हो, फ्रेश टॉयलेटरीज हों, टॉयलेट किट्स हों, बाथरूम किट्स हों, वो आपको एकदम फ्रेश मिलेंगी, नीट एंड क्लीन मिलेंगी। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है, तो आपको अगर कोई भी अगर हेल्प चाहिए हो, या फिर 24/7 रिसेप्शन से किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए हो, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपको अपने ट्रैवल के प्लान के अकॉर्डिंग आपको कोई सेशन चाहिए हो, तो यहाँ का स्टाफ आपकी पूरी हेल्प करेगा और आपके कंफर्टेबल को बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर पब्लिक एरियाज़ में आप आसानी से यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, टी, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, रूम मिलेंगे, वो फुली वाईफाई कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क्स की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर अपने स्टे के दौरान आप मीटिंग करना चाहते हैं, सेमिनार करना चाहते हैं, या ऑनलाइन किसी भी टाइप की, आप कई बार होता है इमरजेंसी में हमें ऑनलाइन नेट की ज़रूरत होती है, तो सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। वॉल्फ एंड वुड खजर, ये जो होटल रिजॉर्ट है, इसका एड्रेस पड़ता है खजर विलेज, हिमाचल प्रदेश, और पिन कोड है 176314, डिस्ट्रिक्ट चंबा। और यहाँ पर इनकी डायरेक्ट फ़ोन नंबर है, इसका फ़ोन नंबर है 8628836868। तो आप इस फ़ोन नंबर डायरेक्ट कॉल करके आप इसे इंक्वायरी, आपने आपकी स्टे के रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी है, या फिर जो भी आपके डाउट हैं, या आप अपना रूम बुक कराना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर 8628836868 पर आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, रूम बुक करा सकते हैं। इसके अलावा इनकी खुद की वेबसाइट है wolfandwood.com, इस पर आप ऊपर जाके रूम्स के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन कौन से रूम हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो भी आपको जानकारी यहाँ के स्टाफ से चाहिए हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करें, इनकी साइट पर विज़िट करें, और आप डायरेक्ट अपनी बुकिंग कर सकते हैं। वॉल्फ एंड वुड होटल आपको B&B, ट्रिप एडवाइज़र जैसी बड़ी बड़ी साइट्स पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेक माई ट्रिप, अगोडा जैसी साइट्स पर आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप उनको फॉलो करके डायरेक्ट होटल को बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।